आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होटल जिज्ञासा पैलेस में भीषण आग लग गई है। कई दुकानें आग की चपेट में है। होटल में कई पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। सदर भट्टी इलाके की घटना है जहाँ पर ये आग लगी है और इस आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। होटल के अंदर आग लगी है और कई लोगों के इस होटल में फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की तरफ जोर दिया जा रहा है और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत भी की जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। होटल जिज्ञासा पैलेस में भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं, देख सकते हैं आप होटल जिज्ञासा पैलेस में किस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता सज्जन सागर का। सज्जन, क्या आग पर अभी तक काबू पाया गया है? देखिए, अगर काबू की बात की जाए तो आग अभी लगी हुई है। दमकलों की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आज अभी अगर बात की जाए हालातों पर तो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सबसे बड़ी बात यह है कि थाना सदर के सदर भट्टी इलाके में ये जिज्ञासा होटल है, या तमाम सारे पर्यटक भी आकर रुकते हैं और ये जूता मंडी का एक बड़ा बाजार है जिसमें की ऊपर होटल संचालित होता है, जिसके तमाम सारी जूता मंडी की दुकानें लगी हुई है। इस आग के लगने से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ, हालांकि कुछ पर्यटक फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो दुकानें नीचे जिन आग लगी हुई है, जूता की तमाम सारी मार्केट है, उन सब सामान निकाला जा रहा है और करीब दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर है सदर भट्टी इलाके में, जो की आग बुझाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने रोज भी इस बात का कि जो आग बुझाने का काम किया जा रहा है बहुत धीमी गति से किया जा रहा है, दमकल बिल्कुल सक्रिय नहीं नजर आ रही है, इसको लेकर भी लोगों में काफी रोष है। जी, कहा जा रहा है कि कुछ लोग होटल के अंदर फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। क्या होटल प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, मैनेजमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि आगरा पर्यटन नगरी है और तमाम सारे पर्यटक ताजमहल के दीदार के लिए भी आते हैं, लेकिन जिस तरह से जूता मंडी है यहाँ पर, जूता का बाजार है, वहाँ लोग बड़े अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों से भी तमाम सारे यहाँ लोग व्यापारी जो आते हैं वो इस होटल में रुकते हैं और सामान खरीद कर वापस जाते हैं। तो गुजरात के कई पर्यटक से हमने बात की है, वो यहाँ रुके हुए थे, जो कि मुश्किल बाहर निकाला जा सका। अपना जी, आप बता रहे कि आसपास की दुकानें भी जो है वो खाली करा दी गई हैं, क्या आग ज्यादा फैलने के आसार बने हुए हैं इसी के अंदेशे की वजह से दुकानों को खाली कराया गया है क्या अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आग 3 मंजिला इलाके में लगी हुई है। सबसे ऊपर होटल संचालित होता है, उसके नीचे भी होटल है, उसके नीचे के फ्लोर पर जो तमाम सारी दुकानें बनी हुई है जो जूता उद्योग से जुड़ी हुई है, आग लगी हुई है, नीचे तक आग फैली हुई है और दुकानों का सामान बाहर निकाला जा रहा है। जी अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है, दमकल कर्मियों की तरफ से क्या और दूसरी कोशिशें की जा रही हैं आग पर काबू पाने के लिए, या अभी भी लोग ऐसे ही? देखिए, अगर दमकल कर्मियों की बात की जाए तो लोगों में काफी रोष है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं, हालांकि मार्ग बहुत चौड़ा है, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो एक-एक करकर आ रही है और आग पर एक दमकल जिस तरह से आग पर काबू पाती है उस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है। हालांकि अगर एक साथ कई दमकलों को लगाया जाता तो कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया जाता, इसलिए यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो जूता उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका काफी रोष देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।